गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम इन माय क्लास। ओके, कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे होना चाहिए, क्योंकि स्टडी टाइम में हमें कंसंट्रेशन तब मिलती है तब हमारा माइंड कंसंट्रेट होता है पूरी तरह से। ओके, तो लेट्स कंसंट्रेट योर माइंड्स। ओके, अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। ओके, नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट थ्री। ओके, इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में नेशनलिज्म इंडिया पार्ट थ्री, इसमें हम आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट वन और पार्ट टू में हमने ये देखा कि कांग्रेस बनी, और उसके बाद पार्ट टू में हमने देखा कि किस तरह से 1911-12 में जॉर्ज फाइव आए, और उनके साथ उनकी जो वाइफ है मैरी, क्वीन मैरी, ये भी आए, और उसके बाद में यहाँ पर उनका बड़ा वेलकम हुआ, और 1912 के बाद दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई सेंट्रल पावर और एलाइज पावर के बीच में ये वार लड़ी गई। लास्ट में 4 साल वार लड़ने के बाद, ठीक है, एलाइज पावर जीत गई। एक्चुअल में एलाइज पावर के जीतने का रीजन क्या था? यूएसए की एंट्री। आपने जो सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि 1917 मार्च में अमेरिका की इस वॉर में एंट्री हो गई थी। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन हुआ करते थे, वुड्रो विल्सन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जब ये वार एंड हो जाएगी तब वुड्रो विल्सन एग्रीमेंट जर्मनी के ऊपर लगाए जाएंगे, 14 एग्रीमेंट ऑन जर्मनी। ओके, जिसको वर्साई ट्रीटी भी हमने कहा था, ठीक है। उसी टाइम में जब अमेरिका की एंट्री हुई, और उसी ईयर में दिसंबर में रशिया इस वार से क्विट कर जाता है। आपको पता होना चाहिए कि रशिया, जिसका लीडर व्लादिमीर लेनिन दिसंबर में बन चुका था, ओके, बोल्शेविक पार्टी का लीडर लेनिन जो कि दिसंबर में बन चुका था, उसने रशिया को तो वार से क्विट कर लिया, मगर रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वार से बाहर निकल चुका था दिसंबर 1917, क्योंकि रशिया में 1917 का ईयर तो पूरा रेवोल्यूशन का ईयर ही था, जिस समय वर्ल्ड वार भी चल रही थी। आप देखोगे वहां पर फरवरी रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, वहां पर अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ रशिया में 1917 में, और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद फाइनली दिसंबर तक आते आते लेनिन की, यानी कि व्लादिमीर लेनिन की गवर्नमेंट वहां बन चुकी थी। इसी वजह से दिसंबर में रशिया तो क्विट कर गया और अमेरिका की एंट्री हुई, ठीक है। फाइनली सेंट्रल पावर ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की, ये हार गए थे, और एलाइज पावर जिसमें इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका जैसे कंट्री और सर्बियन कंट्री जो जीत चुके थे। इस वार में नुकसान बहुत हुआ, 10 मिलियन से भी ज्यादा पीपल्स इसमें मारे गए, बहुत सारे, सॉरी 6 मिलियन से भी ज्यादा इसमें लोग मारे गए, बहुत सारे लोग हैंडीकैप हुए, 6 मिलियन पीपल इसमें मारे गए हैंडीकैप हुए, और बहुत सारे लोग तो गायब भी हो गए। इंडिया के लोग भी इसमें लड़ने के लिए गए थे, क्योंकि इंग्लैंड का हमारे इंडिया पे कंट्रोल था, और इंग्लैंड के लोग बड़े चालाक थे, मतलब कि ब्रिटिश पीपल बड़े चालाक थे, उन्होंने इंडियन पीपल्स को लड़ने के लिए झोंक दिया, ठीक है। तो अब इस थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जिस समय वर्ल्ड वार चल रही थी उस समय इंडिया में क्या चल रहा था। ओके, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 के बीच में रही, उस समय इंडिया में क्या क्या हो रहा था, ठीक है। उस समय इंडिया में सबसे पहले तो मैं इधर लिखूंगा कि 1914 से लेकर जब 1918 तक वर्ल्ड वार चल रही थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब चल रही थी, उसी टाइम में इंडिया में 1915 में यहां पर हिंदू महासभा बनी। 1915 में इंडिया में हिंदू महासभा बनी, ओके, हिंदू महासभा बनी, ओके, उसी टाइम में, और 1915 के टाइम में ही महात्मा गांधी इंडिया में वापस आए,
एंट्री ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी गांधी जी बैक टू इंडिया तो इंडिया में आए, ठीक है। और फिर अगले साल 1916 में यहां पर लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग हुआ, ठीक है। यहां पर दो चीजें एक साथ हुई, 1916 में यहां पर लखनऊ पैक्ट, एक तो हुआ लखनऊ पैक्ट, ठीक है, लखनऊ पैक्ट यहां पर हुआ, ठीक है, लखनऊ पैक्ट हुआ, और एक 1916 में यहां पर होम रूल लीग यहां पर हुआ, ठीक है। अब ये होम रूल लीग क्या है और लखनऊ पैक्ट क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी के पॉइंट्स जो है हमारे वो हम डिस्कशन करने लग जाएंगे, ठीक है। हिंदू महासभा जैसे इंडिया में मुस्लिम लीग बनाई गई थी, आपको याद होगा 1906 में ईस्ट बंगाल में सलीमुल्लाह खान और आगा खान की लीडरशिप में ये बन चुकी थी, ओके। और उसी तर्ज पे फिर हिंदुओं ने भी मुस्लिम की देखा देखी में अपने अपने लोगों को इकट्ठा करके हिंदू पीपल्स को, हिंदू राइट्स को बचाने के लिए हिंदू महासभा बना दी, ठीक है। धीरे 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 यहाँ अलग अलग ग्रुप्स के जो है ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी थी, ओके। फिर महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका में थे वो वहां से वापस आए। महात्मा गांधी जी के बारे में हमने सेकंड वीडियो में बड़ी बातें की हैं कि महात्मा गांधी कैसे बैरिस्टर बनते हैं और अफ्रीका जाते हैं। सेठ अब्दुल्ला का कोई केस था, उसको लेकर वो 1892 में अफ्रीका गए थे। फिर उन्होंने अफ्रीका में नटाल कांग्रेस भी जो है 1894 में नटाल कांग्रेस के फाउंडर रहे थे, और फिर 1895 के आसपास नटाल कांग्रेस बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और नटाल कांग्रेस के बीच में 10 ईयर का गैप है, ये याद रखना। अगर आप गैप मेंटेन कर लेते हो तो आपको याद रह जाता है कि अफ्रीका में ये जो अफ्रीकन नटाल कांग्रेस है वो कब बनी है, हमारी कांग्रेस के 10 साल के बाद बनी है। यानी कि 1885 में अगर कांग्रेस बनी तो उसके करेक्ट 10 साल के बाद में अफ्रीका में अफ्रीकन नटाल कांग्रेस बनी। तो गांधी जी उसके एक्टिव मेंबर थे और उन्होंने फिर वहां पर सत्याग्रह मूवमेंट भी शुरू की थी। वहां के जो वहां एक प्रॉब्लम क्या होती थी अफ्रीका में, वहां रजिस्ट्रेशन कराना होता था, ठीक है। वहां क्या होता था, रजिस्ट्रेशन कराना होता था, जो कि वो बड़े अलग तरीका होता था, रजिस्ट्रेशन कराना होता था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन मतलब कि इंडियंस को स्पेशली वहां रजिस्ट्रेशन कराना होता था, ओके। तो उस रजिस्ट्रेशन के खिलाफ इन्होंने फिर वहां पर ये चीजें की थी कि भाई ऐसा रजिस्ट्रेशन इंडियंस के लिए क्यों है, बाकी सबके लिए क्यों नहीं होता, ठीक है। तो उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह वहां पर पहली बार शुरू किया था, और फिर वहां इंडियन पीपल्स के लिए गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म भी बनाया था उन्होंने फिर वहां पर जो है गांधी जी ने जब इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म भी बनाया था वहां पे। फिर उसके बाद वो इंडिया में आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद वो इंडिया में आ गए, और इंडिया में उनकी एंट्री कब हुई थी, देखो इंडिया में गांधी जी की एंट्री जो हुई वो 9 जनवरी, ठीक है, बैक टू इंडिया कब, 9 जनवरी 1915, ये देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया में आए थे, 9 जनवरी 1915 में वो आए थे। तब तक उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट यानी कि अफ्रीका में बड़े लेवल पे शुरू की थी, ओके। अब बात आती है लखनऊ पैक्ट के बारे में कि लखनऊ पैक्ट क्या है, ओके। एक्चुअल में जब वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी थी यूरोप में और हमारे इंडियंस वहां जबरदस्ती भर्ती कर करके उनको भेजा जा रहा था, एक्चुअल में जबरदस्ती रिक्रूटमेंट हो रही थी यहां पे। इंडिया के लोग इस वॉर में जाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती इसमें भेजा जा रहा था। इंडिया के पीपल्स ऐसा मानते थे, उनके ये सोचते थे कि अगर इंडिया के लोग समुद्र यात्रा करते हुए अदर किसी कंट्री में जाके वार लड़ते हैं तो उनका रिलीजन जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, और उनके धर्म के लोग उनको फिर उसमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये चीजें पहले भी हुई थी, जैसे गिरमिटिया मजदूरों के बारे में आप बातें सुनते हैं,
और उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंडिया से उड़ीसा और बिहार और बंगाल से बहुत सारे स्लेव ले जाए जाते थे, दास खरीदे जाते थे, और फिर उन दास को वो लोग इंडिया के अंदर से खरीद कर वो जो है कैरेबियन आइलैंड्स पर वो जो है उनको माइनिंग वगैरह और टी कल्टिवेशन में इधर उधर बहुत सारे काम में वो लगा देते थे। और कमाल की बात है जब वो वहां से वापस आते हैं कुछ 5-10 साल के बाद तो उनका लैंग्वेज और पूरा रिलीजन चेंज हो चुका होता था। तो इंडिया के लोग डरते थे इस चीज से कि हम लोग समुद्र यात्राएं करके समुद्र पार कहीं पर भी लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती रिक्रूटमेंट हो रहा था। फिर भी यहां पर वर्ल्ड वार के टाइम में बहुत जबरदस्ती रिक्रूटमेंट हो रहा था। अब इस रिक्रूटमेंट के खिलाफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग सारे लोग इकट्ठे हो गए कि हमारे लोग इधर इतनी दूर लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, और भी बहुत सारे इश्यू थे, लेकिन सबका इकट्ठा होना बहुत जरूरी था। अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अदर कांग्रेस के ग्रुप्स एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अगर यूनाइटेड नहीं होते हैं तो मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकेगी, सीधी सी बात है। तो इसीलिए लखनऊ में यूपी में पहली बार कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, कांग्रेस का मॉडरेट ग्रुप, मुस्लिम लीग और बहुत सारी पार्टी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं और लखनऊ पैक्ट समझौता साइन करते हैं। बिल्कुल क्लियर है, लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग, कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एंड अदर पार्टीज के बीच में, हिंदू महासभा, ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में एक समझौता हुआ था कि सब मिलकर लड़ेंगे तो प्रोटेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट हुआ, उसके बाद में यहाँ पर होम रूल लीग भी उसी ईयर में हुआ, सितंबर के लगभग बाल गंगाधर तिलक और दिसंबर के लगभग एनी बेसेंट जो इंडिया में बड़ी फेमस रही, 1893 में ये इंडिया में आ गई थी, एक ब्रिटिशर्स थी। एनी बेसेंट एक ब्रिटिशर्स थी, जैसे मदर टेरेसा भी एक यूरोपियन थी, वो भी इंडिया में आके रहने लगे थे। अब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक क्या चाहते हैं, वो इंडिया में स्वदेशी रूल चाहते हैं, वो इंडिया में स्वदेशी चाहते हैं कि इंडिया के लोग गवर्नमेंट चलाएं, इंडिया के लोग गवर्नमेंट में सामने आए और इंडिया के लोगों का फेवर करें, इस तरह का एक स्वदेशी गवर्नमेंट यहां पर चलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें होम रूल लीग चलाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम खड़े हो सकते हैं अगर यूनाइटेड होते हैं तब, ठीक है। तो ये होम रूल लीग शुरू हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने भी इसको शुरू किया और एनी बेसेंट ने भी अपने लेवल पे इसको शुरू किया। वो बात अलग है कि 1917 में ये एंड हो गया था, होम रूल लीग फाइनली 1917 में एंड भी हो गया था, एनी बेसेंट के थ्रू ये एंड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये होम रूल लीग है। वैसे मैं आपको बता दूं, एनी बेसेंट ने ये होम रूल लीग जो इंडिया में शुरू किया कि भाई स्वदेशी गवर्नमेंट होनी चाहिए और यहां इंडिया के लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए, इस तरह की चीजें, ऐसा एक बार पहले भी हुआ है आयरलैंड में। आयरलैंड के लोगों ने ब्रिटेन का प्रोटेस्ट करते हुए खुद की गवर्नमेंट की डिमांड कर दी थी। आप लोगों को शायद याद हो कि हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था कि जब इंग्लैंड यूनाइटेड हो रहा था तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और आयरलैंड को एक करने की कोशिश की जा रही थी कि इनको एक किया जाए और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया जाए। उस समय आयरलैंड के लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि हम लोग यूके का पार्ट हम नहीं बनना चाहते। तब उन्होंने आयरलैंड में होम रूल लीग अपनाया था और होम रूल लीग अपनाते हुए वहां पर आयरलैंड के लोगों ने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी थी। अब अगर वहां आयरलैंड के लोग अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लेते हैं तो यहां इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के लोग भी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं या फिर स्वदेशी गवर्नमेंट तैयार कर सकते हैं। तो एनी बेसेंट ने बिल्कुल डिक्टो आयरलैंड की डिक्टो कॉपी पे यहां पर यह होम रूल लीग शुरू कराया, लेकिन यह फेल रहा, होम रूल लीग ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया, लोग इनका टारगेट समझ नहीं पाए, एक्चुअल में ये जो चाहते थे वो समझ नहीं पाए लोग, और यूनाइटेड भी नहीं हो पाए होम रूल लीग पे लोग, ना तो बाल गंगाधर तिलक की आइडियाज पर
यूनाइटेड हो पाए और ना ही एनी बेसेंट के आइडियाज पर वो इकट्ठे हो पाए। कुल मिला के ये फेल रहा, इसीलिए 1917 में इसको बंद करना पड़ा। इधर ये चीजें हो रही थी, उधर वर्ल्ड वार हो रही थी, उधर वर्ल्ड वार हो रही थी यूरोप में, यूरोप में वर्ल्ड वार हो रही थी। अब इधर देखें कि महात्मा गांधी ने क्या किया। जब महात्मा गांधी इंडिया में आए, कब आए, मैंने लिखा है 9 जनवरी 1915 को आए। उस समय जब इंडिया में आए, उस समय उनके फेमस गुरु हुआ करते थे, सबसे फेमस गुरु हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। वो जब इंडिया में आए तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और वो उनके आइडिया से बहुत बहुत इंप्रेस हुए। ठीक है, किससे मिले, महात्मा गांधी। ये देखिए हम यहां पर शुरू करते हैं, महात्मा गांधी। ठीक, ये देखिए महात्मा गांधी जब 9 जनवरी को 1915 में ये इंडिया में आए, ठीक है, बैक टू इंडिया, इंडिया में जब ये आए तो ये किससे मिले, ठीक है, मीट, किससे मिलते हैं, ठीक है, ये किससे मिलेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोखले, ठीक है, गोखले, इनसे मिलते हैं ये। ठीक है, और कहते हैं कि इनसे ये बड़े जो है इंप्रेस हुए और इन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया। पॉलिटिकल जो गुरु है गांधी जी का वो यही है। कभी अगर एग्जाम में आ जाए, देखो ये जो टॉपिक आप कर रहे हो ये एनडीए का टॉपिक भी है, मैं आपको बता दूं एनडीए के एग्जाम में ये टॉपिक आता है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, मुगल एम्पायर एनडीए में आता है, 1857 का रिवोल्ट एनडीए के एग्जाम में आता है, जो नेशनल डिफेंस अकेडमी एग्जाम होता है उसमें यह आता है। ओके, इसके अलावा आप देखोगे जो नेशनलिज्म इंडिया है, गांधी का जो पॉइंट है सारे जितने भी, वो सब एनडीए में आता है। बड़े लेवल पे ये चीजें सीखने को मिलती है। अगर आप इन फ्यूचर 12th में जब होते हो और एनडीए के एग्जाम देते हो, दिस इज द बेस्ट मटेरियल फॉर यू, बेस्ट मटेरियल फॉर यू एनडीए के एग्जाम के दौरान, दिस इज द बेस्ट मटेरियल फॉर यू। ओके, तो देखिए ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ठीक है, ऑफ महात्मा गांधी, उनसे ही मिलते हैं। ओके, और महात्मा गांधी, ठीक है, उनसे मिलते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले इनको एक सजेशन देते हैं कि आप इंडिया में घूमो, थोड़ा देखो इंडिया को, आप इंडिया को देखो चारों तरफ से कि क्या कंडीशन है, ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया की क्या हालत हो गई है, आप यहां विजिट कीजिए। और 1915 का पूरा ईयर और 1916 का पूरा ईयर 2 साल तक गांधी जी ने यहां पर विजिट की, 2 साल तक लगभग उन्होंने विजिट की। ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी विजिट करते हैं, ठीक है, विजिट इन इंडिया, इंडिया में इनकी विजिट रही और वो विजिट 1915 और 1916 की विजिट थी। ये 2 साल तक वो इंडिया में विजिट करते रहे और अलग अलग जगह पर घूमे भाई। ठीक है, आप देखोगे गुजरात में उनकी विजिट थी, महाराष्ट्र में उनकी विजिट थी जिस समय वो बॉम्बे कहलाता था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बिहार, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस की तरफ भी उनकी विजिट थी, बंगाल में भी वो विजिट करने के लिए गए। कहते हैं कि जब ये लखनऊ में थे, जब ये लखनऊ में यूपी में थे, उस समय बिहार का एक आदमी जिसका नाम रामचंद्र शुक्ला इनसे मिलने के लिए आया था। अब मैं आपको गांधी जी की वो मूवमेंट बताने जा रहा हूं जो कि चंपारण मूवमेंट है, इसको हम आपकी इंडियन हिस्ट्री में चंपारण मूवमेंट कहते हैं। तो गांधी जी 2 साल की विजिट पे थे और 2 साल की विजिट के बाद 1916 में फाइनली उन्होंने अपने गुजरात के जो है, गुजरात में जो उनका जो जगह पड़ता है पोरबंदर, वहां पर साबरमती आश्रम बनाया इन्होंने। ठीक है, गांधी जी ने, ठीक है, फाउंडेड साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम इन गुजरात। ठीक है, ये गुजरात में इन्होंने ये आश्रम बनाया ताकि वो लोगों से यहां मिल सके और उनकी प्रॉब्लम को जान सके। एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताई थी कि जब वो अफ्रीका में सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे थे इंडियन पीपल्स के लिए, तब उन्होंने अफ्रीका में भी एक टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया था।
आपको याद होगा मैंने अभी बताया कि नटाल कांग्रेस जब उन्होंने ज्वाइन की थी उसका फाउंडेशन किया था नटाल कांग्रेस के टाइम में 1895 में, तब उन्होंने इंडियन पीपल के लिए वहां पर टॉल्स्टॉय फॉर्म मतलब एक फार्म, एक पूरा एरिया, एक आश्रम, टॉल्स्टॉय फॉरम, ठीक है, उन्होंने वहां पर वो बनाया था। इसी तरह इंडिया में भी उन्होंने क्या बनाया, साबरमती आश्रम, ताकि लोगों से वो बातचीत कर सके, लोगों से मिलने की जगह, एक तरह से गांधी जी का ऑफिस, ठीक है ना भाई, जहां पर वो मिलेंगे लोगों से, तो साबरमती आश्रम बनाए इन्होंने। ओके, फिर अभी जो मैं बता रहा था आपको चंपारण मूवमेंट के बारे में, वो देखिए, ठीक है, अब ये देखिए, अब हम चंपारण मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, महात्मा गांधी मूवमेंट फर्स्ट चंपारण मूवमेंट, ठीक है, चंपारण मूवमेंट 1917 चंपारण मूवमेंट, ठीक है। तो अब चंपारण मूवमेंट क्या था, इसके बारे में ध्यान सुनो जरा। चंपारण मूवमेंट वो मूवमेंट थी जब महात्मा गांधी विजिट पर थे, तो 1916 में ही लास्ट में दिसंबर के महीने में जब वो लखनऊ के लगभग थे, तो लखनऊ में उनसे एक पर्सन मिलने आता है जिसका नाम था रामचंद्र शुक्ला, जो कि बिहार के चंपारण से आया है, लखनऊ में महात्मा गांधी से मिलता है और उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है। प्रॉब्लम क्या थी, उसने बताया कि बिहार में चंपारण के एरिया में ब्रिटिश प्लांटर है वो हमें टॉर्चर कर रहे हैं। अब ब्रिटिश प्लांटर का मतलब क्या हुआ, स्कॉटलैंड के लोग जो ब्रिटिश थे, इंग्लैंड के लोग जो ब्रिटिश थे, आयरलैंड के लोग जो ब्रिटिश थे, वो सारे ही ब्रिटिशर्स हैं, तो वो हमें टॉर्चर कर रहे हैं। अब टॉर्चर किस तरह का था, उन्होंने बताया कि यहां बिहार में एक तीन कथिया सिस्टम चलता है। रामचंद्र शुक्ल बता रहे थे कि अब बिहार में तीन कथिया सिस्टम चलता है। अब ये तीन कथिया सिस्टम क्या है, तीन कथिया सिस्टम, ठीक है, अब ये क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि 20 कट्ठा जमीन पर, जो 20 कट्ठा का मतलब है कि छोटी छोटी जैसे बीघा वगैरह होती है, आप देखोगे हरियाणा में किले बीघा ये होती है, हरियाणा में क्या होता है एक एकड़ किला बन जाता है, और उसी एक एकड़ का एक किले का 3.5 हिस्से कर देते हैं, 3.5 पार्ट कर देते हैं, तो वो 3.5 बीघा एक किले के बराबर हो जाती है, समझ लो, बीघा, जैसे हरियाणा में बीघा होती है उसी तरह वहां पर कट्ठा सिस्टम होता है, कट्ठा, तो 20 कट्ठा जमीन किसी के पास है तो उसमें 3 कट्ठे जमीन पर बिहार के लोगों को इंडिगो उगानी कंपलसरी है, इसको बोलते हैं 3 कठिया सिस्टम, ठीक है। दोबारा देखो, अगर किसी किसान के पास, ये देखिए, अगर किसी किसान के पास, ठीक है, ये देखिए, अगर किसी किसान के पास में 1 2 3 4 5, ठीक है, किसी किसान के पास में ऐसे 20 कट्ठा जमीन है, तो उस 20 कट्ठा जमीन पे उसको 3 कट्ठे पर कंपलसरी उसको इंडिगो उगानी जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब कि वो 17 कट्ठा, ये देखिए कट्ठा, ठीक है, कट्ठा 17 कट्ठे पे अपनी मनचाही कोई भी क्रॉप उगाए चलेगा, लेकिन 3 कट्ठों पर, और वो भी मोस्ट फर्टाइल लैंड, ये ब्रिटिशर्स उनको क्लियरली बोलते थे कि बिहार के फार्मर 3 कट्ठे जमीन ऐसी रखेंगे जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है, बहुत ही फर्टाइल जमीन है, और उस पे कंपलसरी उनको इंडिगो उगानी है, उनको क्या करनी है, इंडिगो उगानी है। अभी इंडिगो क्या है, ये एक ब्लू कलर की डाई होती थी जिसकी यूरोप में, इंग्लैंड में और यूरोप में बड़ी डिमांड होती थी। कहां डिमांड होती थी, क्लोथ फैक्ट्रीज में, जहां वो क्लोथ बनाते थे, तो कपड़ों में कलर देने के लिए इंडिगो डाई का यूज किया जाता था, समझ रहे हो आप लोग, इंडिगो डाई का, इस डाई का क्लोथ फैक्ट्री में यूज होता था। ओके, अब ब्रिटिशर्स ने बिहार के लोगों के साथ क्या किया हुआ है कि वो 3 कठिया जमीन, 3 कथिया सिस्टम, मतलब कि देखो ये कैसे था, ये देखिए, इसको बोलते हैं 3 कठिया सिस्टम, ये देखिए, ये 3 कथिया सिस्टम है।
मतलब कि 20 इकट्ठे में से उनको तीन पे उनको उगाना पड़ेगा। ओके, ये कंपलसरी किया गया था। अब 1916 के टाइम क्या हो रहा था कि चंपारण के किसानों से जो तीन कट्ठे जमीन पर वो इंडिगो उगा रहे हैं, अब ब्रिटिशर्स उसके अच्छे प्राइस नहीं दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स उनके अच्छे प्राइस नहीं दे रहे हैं, जिसका रीजन है ब्रिटिशर्स को एक्चुअल में अब इंडिगो की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन वो इस एग्रीमेंट से उनको फ्री भी नहीं कर रहे हैं। एक देखो कितनी अजीब सी बात हो रही है कि ब्रिटिशर्स को इंडिगो की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी किसान को वो इस तीन कतिया सिस्टम से फ्री भी नहीं कर रहे हैं। उनको ये कहा गया कि आप तीन कतिया सिस्टम पे जमीन पे आप इंडिगो उगाओगे या उगाओगे, और फिर क्योंकि ब्रिटिशर्स को इसकी जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है उसके पीछे रीजन है, क्योंकि यूरोप में और इंग्लैंड में केमिकल डाई बन चुकी है, केमिकल डाई बन चुकी है वहां पे उन्होंने केमिकल डाई उन्होंने तैयार कर ली है, और इंडिया की इंडिगो की जरूरत नहीं है उनको। अब क्या है कि इनको टॉर्चर किया जा रहा है कि आप हमें तीन कटिया जमीन पर इंडिगो उगाओ और हमें सस्ते में बेचो, हम इस सिस्टम से आपको फ्री भी नहीं करेंगे और हमें आपको सस्ते में बेचनी पड़ेगी। फार्मर फंस गया, कमाल यार, ये तो गलत बात है, मतलब कि मनमाने भाव लगा रहे हैं। जहां जब केमिकल इंडिगो नहीं बनी थी, केमिकल डाई नहीं बनी थी, तब इंडिगो के अच्छे रेट मिलते थे। सोचो कि 20 रुपी पर केजी मिल रहा है, 20 रुपी पर केजी मिल रहा था पहले, अब वो 2 और 3 रुपी केजी खरीद रहे हैं, कमाल है, इतनी बुरी हालत ही कर रहे थे, और इस सिस्टम से उनको फ्री भी नहीं कर रहे हैं, फोर्स किया जा रहा है कि आप ये करो। एक्चुअल में ब्रिटिशर डबल मुनाफा कमा रहे थे, उनको पता था कि यूरोप में कई जगह पर, कुछ जगह पर इस इंडिगो की अभी भी डिमांड है। मान लिया कि केमिकल वाली डाई आ गई है, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी डिमांड है, तो अगर हमें इंडिया से सस्ते में ये डाई मिले तो हम यूरोप में इसके पैसे कमा सकते हैं। तो यहां बिहार के लोगों को फोर्स कर रहे थे, बल्कि इनको ये कह के फोर्स किया जा रहा था कि हमें आपकी डाई की ज्यादा जरूरत नहीं है, यूरोप में इसकी डिमांड नहीं है, लेकिन डिमांड थी, बेवकूफ बनाया जा रहा था, डिमांड थी लेकिन बेवकूफ बना रहे थे कि भाई केमिकल आ गया है और केमिकल डाई आ गया और हमें जरूरत नहीं है। अब इन किसानों को कहीं से पता लग गया कि ब्रिटिश समय बेवकूफ बना रहे हैं, तो रामचंद्र शुक्ला ने गांधी जी को बताया कि हमें इस तीन कतिया सिस्टम से आजाद कराओ। गांधी जी को सारी बात समझ में आ गई, उनको समझ आ गई कि प्रॉब्लम तो है भाई, ये तो गलत बात है, ठीक है। और वो फिर बहुत सारे लोगों के साथ वहां पहुंच गए, वहां पर वो, ठीक है। अब वो कौन कौन लोग थे जिनके साथ उन्होंने धरना दे दिया, चंपारण में पहुंच गए, भारत माता की जय, ठीक है, वो पहुंच गए। अब वो कौन कौन से लोग थे जो वहां पर वो पहुंचे, ओके, तो देखिए अब उनके नाम यहां देखेंगे हम कि जिन जिन के नाम थे, जैसे कि महात्मा गांधी तो थे ही थे इसमें, महात्मा गांधी के अलावा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी एक तो ये था, ओके, ये सिस्टम अलग है, ओके। उसके बाद दूसरा राजेंद्र प्रसाद, ये देखो राजेंद्र प्रसाद वहां पर पहुंचे, ओके। इसके अलावा ठीक है ब्रिज किशोर का नाम भी यहां पर आता है, ब्रिज किशोर, ये देखिए ब्रिज किशोर यहां पर आए। उसके अलावा महादेव देसाई, एक ये भी यहां पर आए, महादेव देसाई, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, वो महात्मा गांधी के साथ यहां पहली बार नजर आए, पहली बार राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी यहां नजर आए। तीन कतिया सिस्टम को खत्म करेंगे, भारत माता की जय, ठीक है, खत्म करेंगे और चंपारण के किसानों को न्याय दिलवाएंगे, ठीक है। अब पहुंच गए भाई वहां पे, ये महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, ओके, और एक और था जे बी कृपलानी, ठीक है, कृपलानी, ये सारे लोग वहां पहुंच गए, जे बी कृपलानी, ये देखिए ये सारे लोग वहां पहुंच गए। और अब जब भी वहां पर पहुंचे तो क्या इनका वेलकम होगा, वहां की जो ब्रिटिश अथॉरिटी है वो इनको डंडे मारेगी कि तुम लोग क्यों आ गए यहां पे। इन्होंने कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया, दरी वरी बिछा ली अपने बड़े ढंग से, दरिया बिछा ली, चटाई बिछा ली, बैठ गए,
देखेंगे भाई गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है, ठीक है। तो बड़ा एक अलग सा माहौल बन गया था। ओके, तो इन्होंने वहां पर गवर्नमेंट के लोग आए, वहां पर ब्रिटिशर्स लोग आए, उन्होंने कहा कि तुम यहां से निकलो, तुम लोग यहां से निकलो, डंडे पड़ेंगे तुम्हें यहां पे। वो निक्करधारी और साफाधारी जो सिपाही होते थे ब्रिटिशर्स के, निक्करधारी और साफाधारी जो सिपाही होते थे वो आ गए, वो डंडे लेके डंडे से मारने लगे। ये लोग उठे नहीं भाई वहां से, ये बिल्कुल नहीं उठे, जम के बैठ गए, हम नहीं जाएंगे यहां से। पहले तो इस चीज का सोल्यूशन करो कि ये तीन खते सिस्टम क्यों कर रहे हो, टॉर्चर क्यों कर रहे हो, तुम बिहार के लोगों को फ्री क्यों नहीं कर देते इस सिस्टम से, जब तुम लोगों को जब इंडिगो की जरूरत ही नहीं है तो बेचारों को क्यों फंसा रखा है इसमें, इनको फ्री करो, अपनी मर्जी से कोई भी क्रॉप उगाए, तुम्हें दिक्कत क्या है। एक तो तुम इनकी क्रॉप खरीद नहीं रहे हो, और पता है उस समय क्या हो रहा था, एक चीज और भी हो रही थी। रामचंद्र शुक्ला महात्मा गांधी को ये बता रहे थे, मैं उसका नाम लिख देता हूं, आप भूल मत जाना, क्या नाम था उसका, रामचंद्र शुक्ला जी, ठीक है। मेरे हिसाब से जहां तक मेरा आइडिया, आपकी की हिंदी की बुक में ये लेसन है, आपकी कोई हिंदी की बुक में ये चंपारण का एक लेसन भी था, हिंदी की कोई बुक में था जहां तक मेरा आइडिया है कि शायद ये था पहले। तो रामचंद्र शुक्ला ये सारी बातें बता रहे। अब प्रॉब्लम एक और थी, प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिशर्स किसी को अगर फ्री करना चाहे तिनकथिया से तो पैसे लेके फ्री भी कर देते थे, समझ रहे हो। जैसे कोई किसान ये चाहता है कि भाई मैं तिनकथिया से फ्री होना चाहता हूं, तो वो अंडर टेबल मनी लेके उसको फ्री भी कर देते थे। मतलब कि तिनकथिया से फ्री होना है तो ला भी ला, दस हजार रुपए लिया तू फ्री हो जाएगा, तेरा एग्रीमेंट कैंसिल, ठीक है, तू 5000 ले आ भाई। और उस समय 10000 और 5000 तो लाखों की रकम होती थी, 5000 10000 उस टाइम के लाखों की रकम होती थी, तो किसी को फ्री भी कर देते थे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी किया था, मतलब कि कम से मान के चलो कि करीबन 150 लोगों के साथ तो ऐसा किया था इन्होंने, 100-200 लोगों के साथ तो ऐसा किया था कि उनको तीन खतिया से फ्री कर देता, एक्स्ट्रा मनी जेब में डाल के कर दिया, ठीक है। अब उन लोगों ने भी शिकायत लगाई कि हमसे पैसे वसूल कर लिए इन्होंने तीन खतिया से फ्री करने के लिए। तो गांधी जी बोले भाई सारे आ जाओ और हमारे साथ यहां दरी पर बैठ जाओ, अब देखें गवर्नमेंट क्या करती है, इसको खत्म करती है कि नहीं करती है, ठीक है। सारे बैठ के पुलिस आ गई, गांधी जी भी डंडे पड़ने लगे और सारे काम होने लगे, लेकिन ये हिले नहीं अपनी जगह से, बिल्कुल नहीं हिले। सारे वकील थे, राजेंद्र प्रसाद एक वकील था, ब्रिज किशोर एक वकील था, महात्मा गांधी खुद एक वकील था, और वकीलों की फौज खड़ी कर दी वहां पे। जो चंपारण के वकील थे सारे यहां पर आ गए। तिनकथिया सिस्टम मुर्दाबाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट मुर्दाबाद, अब नारे लगने लगे। अब उस समय एक प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के सिपाही चाहिए थे ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए, चाहिए थे ना भाई वर्ल्ड वार में इंडिया के सिपाही चाहिए लड़ने के लिए, तो बात तो माननी पड़ेगी, बात सुननी भी पड़ेगी, अगर नहीं सुनेंगे तो रिक्रूटमेंट कहां से करेंगे। और बिहार अवध और बंगाल से तो बहुत ज्यादा लेवल पे सिपाही रिक्रूट होते थे, बहुत ज्यादा लेवल पे सिपाही, तो बिहार के लोग क्या सिपाही भेजेंगे। खैर वैसे तो भर्ती हो भी नहीं रहे थे लोग, जब कहते हैं कि भर्ती करने के लिए ब्रिटिशर्स आते थे ना तो लोग अपने घरों में छुप जाते थे, कोई खाट के नीचे छुप जाता था, कोई अंदर किसी अलमारी में छुप जाता था, भर्ती होने के लिए जाते नहीं थे, लोगों को डर लगता था मरने से। उस समय बहुत सारे लोग छुप जाते थे, जो गाय पशुओं के लिए जो भूसा रखते थे उसमें छुप जाते थे, वो भूसा घर जो होता था उसमें छुप जाते थे जाके, भर्ती होने के लिए जाते नहीं थे, क्योंकि पता था वर्ल्ड वार चल रही है, मर जाएंगे वहां पे, हम मर सकते हैं वहां पे, तो जाते नहीं थे। तो कुल मिला के बात ये हुई कि वहां पर ये इकट्ठे हो गए सारे, ब्रिटिशर्स की बात मानी, धरना देके बैठ गए कि हम तो नहीं जाएंगे भाई। फिर आखिरी में गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, मजिस्ट्रेट आए वहां पर, सारे लोग, पूरा इंडिगो कमीशन बना वहां पर, एक इंडिगो कमीशन बनाया गया, इंडिगो आयोग बना कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों बैठे हो धरना देके कलेक्टर ऑफिस के बाहर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बाहर, क्यों बैठे हो धरना देके। तो पूछा गया उनसे, तब उन्होंने बताया कि तीन कहते सिस्टम खत्म करो, और जिन जिन लोगों से पैसा वसूल किया है करप्शन मनी वापस करो भाई, जिन जिन की तीन कथिया सिस्टम के लिए जो पैसा वसूल किया वापस करो। तो बहुत दिनों तक चली ये मुहिम, जो बहुत दिनों तक चली, ठीक है, आखिरी में खत्म हो गया। आखिरी में गवर्नमेंट ने गांधी जी की बात मान ली, गाड़ दिया पहला झंडा,
महात्मा गांधी ने अपनी जीत का पहला झंडा यहां गाड़ दिया, ठीक है ना, और तिनकथिया सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन वो जो पैसे लिए थे ना वो वापस नहीं हुए सारे, सिर्फ 25% पैसे वापस हुए। मतलब ये किसी ने 10,000 रुपए दिए थे तिनकथिया खत्म करने के लिए, उसको सिर्फ 2,500 वापस मिले, मतलब उनमें से सिर्फ 25% वापस आया। जिन जिन लोगों ने ऐसे अंडर टेबल मनी दी थी उनके पैसे वापस नहीं आए, सारे नहीं आए, 20% आए थे। तो ये चंपारण मूवमेंट गांधी जी की सक्सेसफुल रही 1917। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा तिनकथिया सिस्टम क्या है और क्या नहीं है, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, और इसमें रामचंद्र शुक्ला भी हमें क्लियर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं गांधी जी की दूसरी मूवमेंट, ठीक है, ओके क्लियर है बेटा, चले आगे, ठीक है, ओके यस। अब महात्मा गांधी जी और क्या क्या करेंगे इंडिया में वो देखते हैं, कौन कौन से झंडे वो गाड़ेंगे यहां पर और क्या क्या चीजें यहां पर होगी उसके बारे में देखिए। ओके ओके बेटा, तो देखिए अब आगे कि कैसे होगा ये गांधी जी की दूसरी मूवमेंट, ठीक है, गांधी जी की दूसरी मूवमेंट। और दूसरी मूवमेंट जो थी गांधी जी की वो और भी फेमस रही, ठीक है। देखिए सेकंड मूवमेंट, महात्मा गांधी मूवमेंट। ओके, अब महात्मा गांधी मूवमेंट में हम सेकंड मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और वो थी खेड़ा पीजेंट्स एंड फार्मर मूवमेंट। ओके, इसको कहते हैं खेड़ा पीजेंट्स एंड फार्मर मूवमेंट। देखिए ये मूवमेंट जो थी ये भी 1917 की मूवमेंट थी, ठीक है, खेड़ा मूवमेंट जो थी ये भी 1917 की मूवमेंट थी, 1917, ठीक है। इसमें क्या था एक्चुअल में, खेड़ा गुजरात का एक गांव है, ठीक है, खेड़ा क्या है, गुजरात का एक गांव है। ओके देखिए खेड़ा क्या है, गुजरात का एक विलेज है, गुजरात, ओके ये गुजरात का एक विलेज है, गुजरात विलेज। ओके, अब यहां पर क्या है, यहां पर बहुत बुरी तरह से क्रॉप फेलियर हो गया है 1917 के ईयर में, यहां पर बहुत बुरी तरह से क्रॉप फेलियर हो गया है और यहां के किसान किसी भी लेवल में गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए फेवर में नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि हम टैक्स पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। सच बात है कि वहां पर है ही नहीं। राजस्व कानून के अकॉर्डिंग, लैंड टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर किसी एरिया में ब्रिटिशर्स का कानून था, ये ब्रिटिशर्स का कानून था लैंड टैक्स एक्ट की, किसी एरिया में अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है 25% भी अगर क्रॉप में नुकसान है तो उस साल गवर्नमेंट उस एरिया से टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, एक कानून के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स का ही बनाया हुआ था कि अगर किसी एरिया में क्रॉप फेलियर हो जाता है तो वहां से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी, वहां का टैक्स माफ कर दिया जाएगा। ओके, क्या ये लैंड टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 25% क्रॉप फेलियर पर जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर 25% भी क्रॉप फेलियर होती है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कानून बना हुआ था। तो इस कानून के अकॉर्डिंग खेड़ा के किसान समझ चुके थे कि अबे उन्हें अब टैक्स हम नहीं देंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स का कानून है तो हम इसमें टैक्स नहीं देंगे, और एक्चुअल में तो हालत खराब थी, खेड़ा के किसान बहुत बुरी तरह से, मतलब कि एक ऐसी भूखमरी फैल गई थी वहां पे, सच में प्रॉब्लम थी, लोगों के घरों में अनाज नहीं था, बच्चे भूखे मर रहे थे, तड़प तड़प कर लोगों की जान निकल रही थी उस पूरे एरिया में। उस साल क्रॉप फेलियर का रीजन ये कि मॉनसून की पोजीशन थी वो ठीक नहीं थी। हमारे इंडिया में बहुत बार ऐसा होता है कि मॉनसून कई बार लेट हो जाता है तो जो खरीफ की फसल होती है और रबी की जो फसल होती है वो पूरी तरह से इफेक्टेड होती है, और राजस्थान गुजरात का एरिया तो वैसे ही ये कम रेनफॉल का एरिया है, या मुश्किल से 10-20% बारिश यहाँ पर आती है, ज़्यादा बारिश यहाँ पर आती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे, ठीक है। और आपको याद होगा कि हमारे इंडिया में अल नीनो ला नीनो इफेक्ट बनते हैं,
तो जहां तक मेरा आइडिया है कि लानिनो अलिनो इफेक्ट कोई ना कोई यहां पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से गुजरात में खेड़ा में ये क्रॉप या फेमाइन आया और ड्रॉट कंडीशन बनी। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। अब जब यहां के किसान ये प्रोटेस्ट करने लगे भाई हम लोग टैक्स नहीं देंगे, ब्रिटिशर्स ने इसके उल्टे इसका उल्टा 23% टैक्स बढ़ा और दिया। ये तो बड़ा अजीब है यार, तुम्हारे कानून के अकॉर्डिंग 25% अगर क्रॉप फेलियर होता है तो टैक्स हम नहीं देंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस टाइम में 23% टैक्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश इंक्रीज 23% टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, मतलब कि इन्होंने एग्रीकल्चर पे 23% टैक्स को बढ़ा दिया, जबकि कानून के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं देना था। कानून के अकॉर्डिंग तो ये होता था कि कानून के अकॉर्डिंग तो क्रॉप फेलियर होने पर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना होता था, रूल तो ये था, लेकिन रूल की धज्जियां उड़ा दी गई, ब्रिटिशर ने खुद के रूल की धज्जियां उड़ा दी और यहां पर 23% एक्स्ट्रा कर दिया। अब यहां के सारे किसान, सारे पीजन, सारे फार्मर इकट्ठे हो गए और ये बोले कि हम टैक्स नहीं देंगे, ऑर्गेनाइज हो गए बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करने लगे। अब इस प्रोटेस्ट में महात्मा गांधी भी इनके साथ में जुड़ चुके थे। ओके, यहां पर जो पहली बार गांधी जी के जो साथ आए, ठीक है, नो टैक्स मूवमेंट, अब ये जो वहां के किसान थे, नो टैक्स मूवमेंट शुरू हुई, नो टैक्स मूवमेंट ये शुरू हुई। ओके, और जिसमें जो है महात्मा गांधी, जिनमें जो पार्टीशन करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेशन जो करते हैं उसमें महात्मा गांधी थे, जो वहां के किसानों के लिए खेड़ा के किसानों के लिए लड़ रहे थे महात्मा गांधी, और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये यहां पर नजर आए। ठीक है, ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल नजर आए, और इसमें कौन, इसमें महादेव देसाई, ठीक है, ये देखिए महादेव देसाई नजर आए, जो बाद में महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे थे। इससे आगे आने वाले जितने भी मूवमेंट होंगे उसमें महादेव देसाई महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे थे। ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी भी ये रहे थे। तो ये सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए और खेड़ा के किसानों को फेवर करने लगे। अब आपको क्या लगता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट माफ कर देगी इनको, डंडे पड़ेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली, जब ये लोग इकट्ठे होने लग जाएंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो ब्रिटिश यहां पर आ जाएंगे और इनको टॉर्चर करने लगेंगे। ठीक है, ओके, एक और भी था सबसे फेमस पर्सन, ठीक है, देखिए इंदुलाल याग्निक, ये भी इसमें था शामिल। तो इन लोगों ने ये मूवमेंट शुरू की, खेड़ा मूवमेंट, और बहुत बेहतरीन ढंग से चलाई, और ब्रिटिशर्स को आखिरी में यहां पर टैक्स माफ करना पड़ा। सेकंड जबरदस्त मूवमेंट, ब्रिटिशर्स को यहां के लोगों का टैक्स माफ करना पड़ा, खेड़ा मूवमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल रही, बहुत बढ़िया ढंग से यहां पर सक्सेसफुल रही, और जो है ये कहें कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानना पड़ा। इसके पीछे कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो आप कि वर्ल्ड वार चल रही है, लोगों को, ब्रिटिशर्स को सैनिकों की जरूरत है, ये सब कुछ भी लॉजिक यहां हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हुई। फिर उसके बाद एक मूवमेंट और हुई, ठीक है। अब तीसरी मूवमेंट हम देखो यहां बोर्ड पे ऊपर लिखेंगे, थर्ड मूवमेंट ऑफ गांधी जी, उसमें हम लिखेंगे अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट, ये देखिए। तो अब तीसरी जो मूवमेंट थी अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट
ओके अब ये क्या थी, ये 1918 में हुई थी, 1918 में रही थी ये मूवमेंट, 1918 में रही। और इस मूवमेंट में जो अहमदाबाद के जो मिल वर्कर थे, कॉटन मिल वर्कर और आयरन मिल वर्कर जो थे, आयरन और कॉटन मिल वर्कर कौन थे, आयरन एंड कॉटन मिल वर्कर, कॉटन मिल वर्कर जो थे, मिल वर्कर जो थे वो प्लेग बोनस की डिमांड कर रहे थे। वो क्या डिमांड कर रहे थे, प्लेग बोनस, डिमांड प्लेग, प्लेग बोनस, ठीक है, वो प्लेग बोनस की डिमांड कर रहे थे। अब ये प्लेग बोनस क्या है भाई, एक्चुअल में अहमदाबाद में उस समय फैक्ट्री एरिया और पूरे अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैल गई थी। आप जानते हो प्लेग चूहों से फैलता है, रैट से प्लेग फैलता है, रैट के बॉडी पे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं और उसकी वजह से पूरे एरिया में प्लेग फैल गया था। ओके, और लोग मर रहे थे, तो फैक्ट्री के अंदर भी बहुत सारे मजदूरों की डेथ हो गई थी, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर भी बहुत सारे मजदूरों की डेथ हो गई थी। और इस वजह से फैक्ट्री वर्कर स्ट्राइक पे थे और वो जो फैक्ट्री ओनर्स है उनसे वो प्लेग बोनस की डिमांड कर रहे थे। अब फैक्ट्री जो मालिक है इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे, फैक्ट्री ओनर रिजेक्टेड, ठीक है, फैक्ट्री ओनर जो थे वो रिजेक्ट कर रहे थे इस डिमांड को, रिजेक्टेड दिस डिमांड। ओके, उन्होंने टोटली इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था जो मजदूरों की तरफ से थी। ओके, और जब यहाँ के मजदूर टॉर्चर किए गए, इन्होंने जो एक्चुअल में ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो मूवमेंट थी अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थी, एक्चुअल में ये जो भारतीय उद्योगपति थे अहमदाबाद के आसपास, जो भारतीय कपड़ा उद्योगपति थे, जो भारतीय उद्योगपति थे, जो मिल वर्कर थे, जो भारतीय उद्योगपति थे, उनके खिलाफ थी ये, एक्चुअल में डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि अहमदाबाद में सारी ही मिल इंडियंस की थी, अहमदाबाद में बहुत सारी मिल्स ब्रिटिशर्स की भी थी, तो हो सकता है ब्रिटिशर्स किसी के साथ ज्वाइंट, मतलब कि शेयरिंग करते हो, किसी इंडियन के साथ वो ज्वाइंट शेयरिंग करते हो, फैक्ट्री के ओनर हो वो, तो ऐसा बहुत सारी जगह पर देखा गया था। तो उन्होंने ब्रिटिश एंड इंडियन फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ ये प्लेग के लिए, प्लेग बोनस के लिए डिमांड की हुई थी और ये मूवमेंट चल रही थी। ओके, अब इसमें क्या था कि जो फैक्ट्री ओनर थे वो बिल्कुल भी प्लेग बोनस देने को तैयार नहीं थे, इसीलिए फैक्ट्री वर्कर जो गांधी जी से मिलने के लिए गए साबरमती आश्रम में, मैंने बताया भी था कि वो ऑफिस है उसका, वो ऑफिस है उसका, तो वहां पर वो गए और वहां पर उनसे फिर कहा कि भाई हमारा साथ दो, हम लोगों को प्रॉब्लम है, हम लोग प्लेग बोनस हमें नहीं मिल पा रहा है। तो फिर वहां पर वो गए, गांधी जी वर्कर से बातचीत की, वहां जाके देखा तो सच में प्रॉब्लम थी भाई, बहुत सारे वर्कर्स की डेथ हो चुकी थी, बहुत सारे वर्कर फैक्ट्री में बुरी हालात में थे, इवन इतने टाइट रूल थे फैक्ट्री के, लंबे टाइम तक उनको काम करने को दिया जाता था, पैसे थोड़े से मिलते थे, वेजेस कम होते थे, जैसे कि कॉमनली आप देखते हो ऐसा होता है, कॉमनली आप देखते हो कि ऐसा होता है कि फैक्ट्री वर्कर्स को पैसे कम दिए जाते हैं, सारी कॉमन प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने उन लोगों की प्रॉब्लम को सुना और उनके साथ में वहां वो शुरू हुए, वहां वो उनके लिए खड़े हुए। ओके, और आप देखोगे कि उन्होंने फिर उन लोगों का साथ दिया और ठीक है, और फिर प्लेग बोनस उनको मिला। लेकिन लेकिन महात्मा गांधी ने उन लोगों से, उन वर्कर से मिलकर प्लेग बोनस, ठीक है, कि पहले वो 100% डिमांड कर रहे थे कि 100% हमें प्लेग बोनस चाहिए, लेकिन फैक्ट्री मालिक जो थे वो 20% पे तैयार थे। वर्कर्स की डिमांड क्या थी, वर्कर्स की डिमांड थी कि हमें प्लेग बोनस दिया जाए, 100% प्लेग बोनस दिया जाए, प्लेग बोनस मिले, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री ओनर क्या चाहते थे, फैक्ट्री ओनर जो थे वो उनको 20% प्लेग बोनस देने के लिए तैयार थे, 20% प्लेग बोनस देने के लिए तैयार थे। ओके, 20% के लिए तो वो तैयार थे, लेकिन मजदूर इस बात पे अड़े हुए थे। जब महात्मा गांधी इनके पास गए, जब इनकी प्रॉब्लम को सुना और उनका साथ दिया, बहुत सारे लोग और भी थे उनका साथ दिया, महात्मा गांधी जी के साथ एक उस समय एक फेमस लेडीज भी थी जो इस मूवमेंट में काम कर रही थी, अनुसुईया बेन, ठीक है, उसका नाम था अनुसुईया, ठीक है, उसका नाम था फेमस लेडीज, ठीक है, एक फेमस लेडीज, ठीक है, ओके, लेडीज लीडर, ठीक है,
वो फेमस लेडीज लीडर जो वर्कर का साथ देती है वो थी अनुसुईया। ठीक है, अनुसुईया कहते हैं कि अनुसुईया ये वो लेडीज थी जो कभी जो एक बड़े फैक्ट्री ओनर की सिस्टर थी। उस समय जो मूवमेंट वहां चल रहा था, वहां एक बड़ा फैक्ट्री ओनर था जिसका नाम था, ठीक है, अंबालाल साराभाई। ठीक है, देखो ये जो ये किसकी सिस्टर थी, अंबालाल, देखो इसका नाम है अंबालाल। ओके, अंबालाल साराभाई। ठीक है, इसकी ये सिस्टर थी। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं कि उस मूवमेंट में अंबालाल साराभाई उस समय के गुजरात के सबसे बड़े मतलब कि बड़े फेमस फैक्ट्री ओनर थे और उनकी सिस्टर इसी के अगेंस्ट महात्मा गांधी का साथ दे रही थी। एक कॉमन, देखो कितनी जबरदस्त बात है कि अनुसुईया अंबालाल साराभाई के अगेंस्ट है और अंबालाल साराभाई ये गांधी जी का फ्रेंड हुआ करता। ये जब वो बैरिस्टर की तैयारी कर रहे थे ये उसके फ्रेंड हुआ करते थे। और अब यहां अहमदाबाद में क्या है, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। कमाल है, क्या लॉजिक है। मतलब कि अनुसुईया गांधी जी का क्यों साथ दे रही, क्योंकि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। नहीं समझे बात को, आई थिंक समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि वो उनकी फैमिली रिलेशंस रहे एक तरह से। तो अनुसुईया महात्मा गांधी को जानते हैं ऑलरेडी पहले से, अंबालाल साराभाई भी महात्मा गांधी को जानते हैं क्योंकि वो फ्रेंड रहे हैं। तो अनुसुईया इसमें महात्मा गांधी का साथ देती है और ये काफी टाइम तक, दिसंबर तक ये मूवमेंट चलती रही। फाइनली महात्मा गांधी ने एक मीडिएटर के रूप में वहां के फैक्ट्री ओनर्स के और वर्कर्स के बीच में एक मीडिएटर के रूप में उन्होंने वर्क किया और फैक्ट्री ओनर्स को 35% प्लेग बोनस पे रेडी कर दिया कि ना भाई इधर का ना भाई उधर का। ठीक है, रेडी कर लिया, मतलब कि जबरदस्त। ठीक है, ओके, देखो कितने पे रेडी कर लिया, महात्मा गांधी एग्री, ठीक है, एग्री कर लिया फैक्ट्री ओनर्स ओके, और वर्कर्स इन दोनों को उन्होंने एग्री कर लिया 35% बोनस पे। ठीक है, ये देखो 35% बोनस पे वो एग्री कर लेते हैं और ये मूवमेंट यहां एंड हो जाती है, ये मूवमेंट इससे एंड हो जाती है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जो खेड़ा मूवमेंट मैंने आपको बताई थी, एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने, एक्चुअलिटी बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने खेड़ा मूवमेंट में किसानों का लगान माफ ही नहीं किया था। समझ रहे हो, हुआ क्या था कि गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को इस बात के लिए मना लिया था कि पुअर पीजेंट्स का लगान माफ कर दिया जाए। ठीक है, पुअर पीजेंट्स का तो कम से कम लगान माफ कर दो, टैक्स माफ कर दो, और जो रिच पीजेंट्स है उनसे आप ले लो अगर वो दे सकते हो तो। तो ब्रिटिशर्स ने वहां टैक्स को एंड ही नहीं किया और चुपके चुपके रिच पीजेंट से टैक्स वसूल कर लिया और पुअर से टैक्स नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि पुअर नहीं देंगे और टैक्स मांगने जाएंगे तो चिल्लाएंगे, ये चिल्लाएंगे। तो अंदर ही अंदर उन्होंने रिच पीजेंट से, रिच फार्मर से तो पैसे ले लिए और पुअर्स को छोड़ दिया। कोई फाइनल सोल्यूशन निकला नहीं था उसमें, समझ रहे हो, कोई फाइनल सोल्यूशन निकला, कुछ लोगों ने पैसे दिए ब्रिटिशर्स को, कुछ लोगों ने नहीं दिए, ये साथ वो चलता रहा था। लेकिन यहां पर क्लियर कट विक्ट्री थी, गांधी जी ने मिल वर्कर्स को 35% बोनस दिलवाया और ये मूवमेंट एंड हुई। और जहां तक मेरा आइडिया है, वर्ल्ड वार भी एंड हो रही है जहां तक मेरा आइडिया है। ओके, वर्ल्ड वार भी अब महात्मा गांधी मूवमेंट के साथ नवंबर और 1918 में वर्ल्ड वार एंड हो रही है, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड हो रही है, एंडेड।
क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या हो सकता है? ब्रिटिशर्स अब जिन जिन ने मूवमेंट की ना, उनको पकड़ पकड़ के धोएंगे, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स का मतलब निकल चुका है, वर्ल्ड वार एंड हो चुकी है, समझ रहे हो? अब वो किसी को किसी की नहीं सुनेंगे, अब वो ऐसे रूल बनाएंगे जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी बोलेगा, कोई भी आर्गुमेंट करेगा, उसको पकड़कर वो जेल में ठूस देंगे, पिटाई करेंगे, अब वो नहीं सुनेंगे। अब चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे वो धर्मात्मा गांधी हो, चाहे वो देवात्मा गांधी हो, चाहे कोई भी गांधी हो, वो किसी की नहीं सुनेंगे, ठीक है? अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका मतलब निकल गया है, वर्ल्ड वार एंड हो गई है, अब तक तो उनको इंडियंस की जरूरत थी, अब इंडियंस की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? इसीलिए अब इसके बाद ये ताबड़तोड़ एक डेढ़ महीने में ही रोलेट एक्ट पास करवा देंगे, और रोलेट एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोलेगा उसको 2 साल के लिए जेल में ठूस देंगे। अगले वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिशर्स ने वो कौन कौन सी पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसकी वजह से यहां पर रोलेट एक्ट लगा, जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन हुआ, पॉलिसी लगाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा, इन लोगों ने अब वर्ल्ड वार के बाद में जर्मनी के ऊपर भी एग्रीमेंट लगाना है, जैसे कि वर्ल्ड वार के बाद में टर्की पर भी इन्होंने लगाना है, जो जो हार गए थे देश उनके ऊपर लगाएंगे, वुड्रो विल्सन भूल गए, जॉर्ज लियोड और क्लेमेसो, जॉर्ज क्लेमेसो जो फ्रांस का है वो ये सब करने वाले हैं, ये वो टाइम आ गया है, अब ये लोग ये करेंगे। 4 साल बीत चुके हैं, इधर गांधी जी ने इन 4 साल में बड़ी धूम मचाई, इधर उन्होंने वहां पर धूम मचाई, ठीक है? इधर लखनऊ पैक्ट भी हुआ, इधर जो एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग भी किया, हिंदू महासभा भी बनी, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम भी बनाया, चंपारण मूवमेंट भी की, अहमदाबाद मूवमेंट भी की, और खेड़ा मूवमेंट भी की। खेड़ा से नाम याद आया कि एक फेमस मूवी भी खेड़ा में फिल्माई गई थी बाद में, करण अर्जुन, सुना कभी आपने? खेड़ा करण अर्जुन मूवी इसी खेड़ा गांव में फिल्माई गई थी, जहां पे वो लोग पत्थर तोड़ते हुए दिखाते हैं, इसी मूवमेंट में थी वो, गुजरात का एरिया खेड़ा, तो वो थी। तो अगले वीडियो में हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या करने वाले हैं ब्रिटिशर्स, और इंडिया को कैसे टैकल करेंगे आगे, क्या होगा, और किस तरह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की एंट्री होगी, क्या होने वाला है आगे, ठीक है? ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई थिंक आपको समझ आया होगा, सारा मटेरियल समझ में आ गया होगा, और कभी नहीं भूलोगे आप, मुझे लगता है कि अगर स्टोरी की तरह आपने समझा तो कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। ओके बेटा, बाय, थैंक यू, और वो भूलना नहीं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल, ठीक है?